ट्रैक्टर पीछे एक खंडर था, बहुत दिन ये कम से कम बहुत सालों से बारिश पड़ा हुआ था, इनको आज तक कम से कम 30-35 साल हो गए, आज तक कोई बारिश ही नहीं हुआ। अब ये बिल्कुल गिरने के कगार पे था, हमने कमेटी के अंदर यानी गए चक्कर कर लगाए, उन्होंने के नोटिस लगा दिया, कह रहे जी जब हम देखेंगे, हमने अब हमारे नुकसान हम क्या करें, कह रहे जी हमारे ये तो सरकारी काम है जी, हमें तो लेट सवेर भी हो सकता है। अब ये बरसात की वजह से नहीं है गिर गया, और जिससे हमारी दीवार वगैरह पे नहीं थोड़ा नुकसान हुआ, इससे नहीं हमारा नुकसान हुआ है, हमारी दीवार पे गिर गया, सारा का सारा दीवार पे गिर गया, बच्चे ऊपर सो रहे होते हैं, ऊपर तक जो गैप थोड़ा सा वो है, नुकसान होगा तो कौन भरेगा, कोई मर जाएगा तो क्या करेगा। कहां कहां गए हो आप लोग? हम कमेटी गए थे। अच्छा, कमेटी में उन्होंने को हमने एप्लीकेशन वगैरह दी है, एप्लीकेशन दे के उन्होंने करा, फिर हम दोबारा उसके पास गए दीपक मंगला के, वो कोठी में गए, उसके बाद दो बार गए, उन्होंने नोटिस भिजवाया, वो कहते हम क्या कर सकते हैं, हमारे को कार्रवाई तो ही, हमने तो आपके थ्रू को करवा दी, नोटिस भिजवा दिया। किसको नोटिस भिजवाया है, मालिक कौन है इसका? मालिक कोई नहीं है ना इसका, भाई कोई मालिक नहीं है, तो इस वजह से बताया कोई आके देखे अपनी जमीन जायदाद को, इसलिए। काफी समय से, कितने साल से उजाड़ पड़ी है? ये हो गए 35 साल हो गए कम से कम, भी 35 साल से कोई मालिक ही नहीं है। आगे आशीष, आगे आशीष उसका है तायल का, जो इसमें तीन हिस्सेदार है, सबसे आगे एक नवीन है, उसके बीच में आशु है आशीष तायल, और उसको पीछे वाला वो कहते हैं हमारे को मतलब ही नहीं है, हमने आशु आशु ने हमारे साइन कर दिए थे, कहता जी साइन तो सबने कर दिए, साइन सबने कर दिए, बस का मालिक कोई नहीं है। अब आपको क्या अंदेश है? हम तो कहते हैं या तो इसका खंडर साफ करो, सारा खंडर तुरवाओ, नुकसान भी हमारा ही है, देखो इतना तो होगा, आगे और भी गिर सकता है खंडर को, और भी सब कुछ नुकसान हो सकता है, देखो पैसा कोई गरीब बंदा है, आज किसी को इतना पैसा थोड़ी ना लगाएगा, कोई मलबा उठवाएगा, सब सरकार करेगी, सरकार ही करे जो कुछ कर सकते हैं। क्या नाम है आपका जी? लवली जी। हाँ, क्या क्या नुकसान हो रहा है जी आपका? नुकसान क्या है जी, छत पे गिरा है जी खंडर हमारी पे, और हम रहते हैं उधर, जान को खतरा है हमारी को, अब भी रह रहा है ये खंडर, पता नहीं इसका कोई बारिश तो है नहीं जी। शिकायत कराई थी आपने? शिकायत गए थे हम कहाँ? दीपक मंगला के पास, बस अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने क्या कहा था? है जी दीपक मंगला ने क्या कहा था? उन्होंने कहा, नोटिस दे रखा है जी, अब देखो कब का कार्रवाई होगी जी। आपको क्या खतरा है? खतरा है ये गिरने वाला हमारे चौक बरांडे में गिरेगा। मेरा नाम माया चोपड़ा है। माया जी, क्या नुकसान हो गया आपका? का मकान टूट गया है सारा। शिकायत करी आपने? हाँ, गए थे पड़ोसी लेके साइन ऑन करवा के। अच्छा, हाँ जी। तो इससे क्या खतरा है आने वाले टाइम में? अब अभी तो और भी गिरेगा ये, सब कोई खतरा, पूरे मोहल्ले को खतरा है, ये जिनका घर है इधर। तो अच्छा, जैसे हाँ। मकान बरसात में फटे ये? नहीं नहीं, पुराना मकान है ना, पुराना मकान है, वो गिरा नीचे। अच्छा, कितने साल से उजाड़ पड़ा है मकान? ये जो है बहुत साल हो गए। मालिक भी नहीं पता आपको कौन है? मालिक पीछे बैठे तो है। हाँ, पीछे है। वो मना कर रहा है आशीष, मना कर के मालिक हम नहीं है, कोई और है मालिक, हम एक बाजार में कोई विजय है, हम उसकी दुकान पे गए हैं, उसने कहा हम नहीं जानते उसको कौन है मालिक, हमने कितने लोगों से पूछा, डब्बू से पूछा, पहले डब्बू यार इस मकान में रहते थे, मम्मी बताती थी जब हम छोटे छोटे थे ना, डब्बू तब यहाँ मकान में रहते थे, ये तो बाद में आए हैं छोड़ के, मम्मी कहती हमने डब्बू से पूछा भी किसका है, वो डब्बू कहते हमारे को पता नहीं, वो मारे कहते हैं। आप क्या मांग करते हो? आप हम क्या है, मकान टूटा हमारा मकान सही करवा दे बस, और क्या सरकार से? हाँ जी, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें, और हो सके तो इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। याद रखिएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आप सबके हितकर है। जितने भी लोकल नेता हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, या फिर राजनीतिक दल हैं, लोकल ही उनके फायदेमंद है। तो देर मत कीजिएगा, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।